गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बरसात का मौसम आ चुका है और बरसात के मौसम में गर्मा गर्म समोसे मिल जाते हैं और क्या चाहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे। समोसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 7 से 8 आलू। इसे उबाल के ले लिया है। हमारे आलू काफ़ी छोटे हैं तो हमने ज़्यादा लिए हैं। आपके पास अगर मीडियम साइज़ के आलू हो तो आप 4 आलू उबाल के ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने आलू को एकदम ऐसे हल्का सा मैश कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। और इसके बाद इसमें हम 1 पिंच हींग डाल देंगे। और उसके बाद साबुत धनिया, जीरा और सौंफ को हमने ऐसे भून के इसे क्रश कर लिया है। बाद हम डाल देंगे बारीक कटी हुई मिर्चियाँ। यहाँ पर हमने 2 से 3 मिर्ची ली है और इसे ऐसे से भून लेंगे। बाद हमने डाल दिया है 1/2 कप मटर। हमने यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ किया है, आप या तो फ्रेश यूज़ कर सकते हैं या तो फ्रोज़न। बाद हम डाल देंगे 1/2 कप पीनट्स। इसे हमने उबाल के ले लिया है और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम हमारे जो हमने आलू उबाल के लिए थे वो डाल देंगे। साथ में मसाले डाल देंगे। मसालों के लिए हमने यहाँ पे लिया है हल्दी, 1 टेबल स्पून हल्दी डालना है और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और साथ ही हमने लिया है चाट मसाला। आप चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था तो इसलिए हम चाट मसाले का यूज़ करें। नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनके रेडी हो चुकी है और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। और जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटा लगा लेंगे। तो चलिए आटा लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कप मैदा को छान के लेंगे। यहाँ पर हमने 2 कप मैदे को अच्छे से छान के ले लिया है और अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और नमक डालेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच तेल मोइन के लिए। आप तेल की जगह घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैदे में अच्छे से मोइन कर लिया है हमने और ये ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए और हमें मैदे के डो को टाइट लगाना है। और चल इसे ऐसे गून लेंगे। पर 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और चलिए अब हमारे डो को चेक कर लेते हैं। और इससे थोड़ा सा तेल डालकर और अच्छे से गून लेंगे।
हमने इस डो को तेल की मदद से काफ़ी अच्छे से गूंद लिया है और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। और हमने लोई का ऐसे शीट पे लिया है और इस शीट को हमने ऐसे रखा है, लाइक इतना ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं करना है, इतने ही इस पर रखना है और इसमें से हम इसे दो पीस कट करके और हम समोसा बनाएंगे। और इस तरीके से हमने इसको ऐसे कोन शेप में रेडी कर लिया है और अब हम इसके अंदर स्टफिंग डाल लेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के समोसे बनाकर भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारे समोसे बनके रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा तेल भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करते वक्त तेल को हमें हल्का गर्म रखना है और उसी तेल में अच्छे से धीमी आँच पर फ्राई होने देना है। तरीके से गोल्डन फ्राई होने तक समोसों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमारे समोसे काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से हम बाकी के समोसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे समोसे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर रेडी है हमारे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी समोसा। पुदीना और धनिया पत्ते की चटनी के साथ में ज़रूर ट्राई करिएगा।